दोस्तों अगर आपको याद है तो कुछ मंथ पहले हमने लिट्टी वाली मौसी का एक वीडियो टेलीकास्ट किया था, जिन्होंने अपने हस्बैंड को कुछ मंथ पहले एक हादसे में खो दिया था, जो कि घर में कमाई करने वाले एक लौते इंसान थे। उनके जाने के बाद मौसी मानो टूट सी गई थी, क्योंकि अब उनके अकेले कंधे पे दो बेटी और अपनी खुद की जिम्मेदारी आ गई थी। फाइनली अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वो सेक्टर 18 गोल चौक में लिट्टी बेचने लगी। पर हम सबको पता है कोरोना काल में बिजनेस पहले जैसा नहीं चल रहा है। जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है वो तीन लोगों के लिए काफी नहीं है। फिर हमने अपने वीडियो के माध्यम से लिट्टी मौसी की कहानी को दुनिया के सामने रखा और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि लिट्टी मौसी को थोड़ा सा हेल्प करें। और फिर पूरे देश विदेश चारों तरफ से लोगों का मदद करने का हाथ लिट्टी मौसी की तरफ आया। और आज हम हमारी पूरी फैमिली के साथ लिट्टी मौसी के घर पहुंचने वाले हैं उनको एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों हम आज हमारी लिट्टी मौसी के घर में आके पहुंचे हैं। तो ये रहा लिट्टी मौसी के घर का एंट्रेंस, ये जो छोटा सा एक आंगन है और ये उनका एंट्रेंस है। जिनको पता नहीं है, रेनो उनकी छोटी बेटी है। हाय बोल दो। थैंक यू। दोस्तों ये वही घर है जहाँ पे कुछ महीनों पहले पूरा फैमिली एक साथ बैठ के समय गुजारती थी, पर आज कुछ अगर बच गया है तो वो है मायूसी से भरे कुछ चेहरे। तो दोस्तों ये रही हमारी लिट्टी मौसी। मौसी नमस्कार। तो रोमा कैसी हो पहले बताओ, और क्या क्या चेंजेस देखे हैं इतने दिनों में, तुमने क्या नोटिस किया है? बहुत अच्छे हैं और देख ही रहे हम कैसे। अरे शर्मा क्यों रही है बाबू, वो खाली शर्माती रहती है ज्यादा। हाँ तो जब से आप लोग जब से वीडियो बनाए हैं तब से हम लोग का दुकान में बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग सब खाने के लिए, बसंती कॉलोनी से, कोई कहाँ से, जेल रोड से कॉल कर कर के आते हैं। अभी चल रहा है दुकान, बोलना चाहते हैं कि आप लोग आते रहिए मेरी मम्मी की दुकान में। थैंक यू सो मच, हम लोग को बहुत खुशी मिली आप लोग हम लोग को इतना प्यार दिए, हम लोग का इतना सहारा किए। हम लोग यही चाहते हैं आप लोग ऐसे आते रहिए, हम लोग हमारे दुकान पे खाइए, हम लोग की दुकान में जो आपको पसंद आता है वो खाइए, लेकिन आइए। पापा के जाने के बाद हम लोग को बहुत टूट से गए थे, अच्छा नहीं लगा था, सहारा नहीं मिल रहा था कुछ भी। अब जब से पापा गए तब से बिल्कुल कैसा लगता था, आप लोगों की वजह से अभी बहुत खुशी मिलती है। आप लोग सबको आते हैं हमारे दुकान पे खाने को, धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद है आप लोग सभी को। सबको हंस रहे हैं लेकिन इनकी आंखों को देखो। आप कितना रहेगी माँ, अरे बाबा मुझे बहुत मुश्किल होती है इनके चेहरे पे मुस्कान लाने में। देखो कितने खुश है लड़कियाँ। अभी आप सबको रुलाओगी क्या? अभी आप सबको रुलाओगी क्या माँ? देखो तीन तीन बेटी है, हम लोग भी अभी आ रहे हैं, आपको कुछ करना है। तो गाइज हमारे जो एक फॉलोअर ने, हमारे एक मित्र ने एक्चुअली दुबई से कुछ अमाउंट लिट्टी मौसी को भेजा है, और मैं चाहता हूँ आप सब कुछ इनको डायरेक्ट दें। अभी अगर कुछ हेल्प करना चाहोगे आगे तो मेरे भाई ने एक्चुअली 7,000 भेजे हैं, और मैं ₹7,000 भाई, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। ऐसे अगर नीडी लोगों का आप हेल्प नहीं करोगे तो और किसको करोगे? फिर मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कुछ फॉलोअर्स अगर ऐसे काम में आ रहे हैं तो मुझे और ऐसे वीडियो बनाने को और लोगों के पास पहुंचने को बहुत दिल करता है। तो दिल से थैंक यू। और अभी मैं बोलूँगा पापा ही ये मौसी को हैंड ओवर करें, बड़े होते हुए हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम दे पैसों को। पापा अब अगर नहीं हंसी ना, अब तो हंसी है, मुस्कुराई, देखो अभी आई, देखो ऐसे ही हम लोग साथ हैं आपके, ये मुस्कुराहट ही देखने के लिए लोग तड़पते हैं, आप ऐसे रो के रहोगे तो कैसे होगा? कुछ बोलेंगी अपने उस मित्र को जिन्होंने आपको ये हेल्प किया थोड़ा सा? हाँ जो भेजे उनको तो हम क्या आशीर्वाद दे, भगवान करे सब दिन बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली हमको आज लिट्टी मौसी के घर पे आके बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, और आपकी जो हेल्प थी वो हमने मौसी के पास पहुंचा दिया, और चाहते हैं कि आगे भी ऐसे हेल्प करते रहिए हमारी मौसी को। देखिए उनकी मुस्कुराहट के लिए हम लोग इतना सब कर रहे हैं।
हमें पता है कि घर में जो कमाने वाला सदस्य अगर चले जाए तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, और अपनी मौसी एक अकेले कंधे पे ये सब संभाल रही है, तो हैट्स ऑफ टू हर। अपने साथ साथ उनकी दो बेटियों को भी वो संभाल रही है, तो रियली सल्यूट करता हूँ मैं उनके जज्बे को। और आप लोग जैसे अगर साथ देते रहोगे तो उनकी राह और आसान हो जाएगी। दिल से थैंक यू सो मच गाइस, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो को आप लोग और ज़्यादा शेयर करें और लोग कनेक्ट हों, खास करके हमारे शहर रौरकेला के लोग अगर सपोर्ट में आएंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करो यार, शेयर करो। देखो ये एक दिखा रहा हूँ मैं आप पे, स्पाइडरमैन। देखो स्पाइडरमैन। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।